BTS के मेंबर जिमिन और जंगकुक का न्यू शो लॉन्च होने के बाद आर्मीज काफी एक्साइटेड हैं और खुश हैं, क्योंकि दोनों का ही ये शो काफी फेमस हो रहा है और इस शो के हर एपिसोड के साथ साथ आर्मीज को उनकी लाइफ की नई नई चीजें पता चल रही हैं और दोनों को इस तरीके से घूमते हुए मजे करते हुए देखकर आर्मीज को बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन रिसेंटली लॉन्च हुए एपिसोड में आर्मीज को कुछ ऐसा दिखा जिसके बाद कई सारे आर्मीज काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हैं। ऑल्दो पहली बार नहीं है कि हमने ये चीज देखी हो, लेकिन फिर भी आर्मीज को लगता है कि इस तरीके से ऑन कैमरा ये सब चीजें सही नहीं है। तो दोस्तों, रिसेंटली जो एपिसोड आर यू श्योर का लॉन्च हुआ है, वहां पर हमारे BTS के गोल्डन मांगने जंगकुक वेप करते हुए नजर आए, यानी वेप को यूज करते हुए नजर आए, यानी उसको आप ई सिगरेट या ई स्मोकिंग भी बोल सकते हो। तो कई सारे क्लिप्स लॉन्च हुए जहां पर देखा गया कि जंगकुक जब रात को जिमिन के साथ बैठे हुए थे तो वहां पर वो ई स्मोक का यूज कर रहे थे। अब दोस्तों, जो पार्ट और क्लिप एपिसोड के जहां पर आर्मीज ने ये चीज नोटिस करी है, वो इनिशियली काफी ब्लर है क्योंकि रात का टाइम था और कैमरे में क्लियर नहीं दिख रहा था। तो जंगकुक लेटे हुए थे और अंदाजन क्लियरली समझ आ रहा है कि जंगकुक अपने मुंह में कोई चीज तो इनहेल कर रहे हैं और एक मिनट तक वो उसे इनहेल करते हैं, फिर छोड़ देते हैं उसके बाद एक्सहेल करके। यही नहीं बल्कि कुछ आर्मीज ने नोटिस किया कि जब जंगकुक अपने हाथ से उस चीज को कवर करके अपने फेस पर लगा रहे थे तो कुछ ब्लू लाइट टाइप की भी जल रही थी, और कई सारे लोगों को ये बात पता है कि ऐसी ब्लू लाइट ई सिगरेट्स या फिर ई स्मोकिंग में ही जलती है। कई लोगों का कहना है कि जंगकुक इस एपिसोड में रात को वेपिंग का यूज कर रहे थे, वेप का यूज कर रहे थे। और दोस्तों, अब वैसे तो हमने जंगकुक को स्मोक करते हुए पहले भी देखा है, ऑन लाइव कैमरे पे उन्हें रिकॉर्ड किया गया था जहां पे वो क्लियरली स्मोकिंग करते हुए दिख रहे थे। लेकिन कई लोगों का कहना है कि अगर जंगकुक यहां पर भी स्मोक कर रहे थे, उनकी पर्सनल लाइफ है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ऑन कैमरे पे उन्हें स्मोक नहीं करना चाहिए था। इससे कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि जंगकुक लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे कि भाई स्मोक करना या फिर ये चीजें करना एक नॉर्मल चीज होती है और आप इसे कर सकते हो, क्योंकि BTS के मेंबर्स कई सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं और उनके शोज और एपिसोड्स हर कोई देखता है, हर एज ग्रुप का इंसान देखता है। तो कई BTS आर्मीज का मानना है कि अगर ये चीज हुई भी थी तो बिग हिट को इसे कट कर देना चाहिए था शो में एडिट करते टाइम, या फिर जंगकुक को कैमरे के सामने ये काम करना ही नहीं चाहिए था। चलो ठीक है, माना ये उनकी पर्सनल लाइफ है, वो ऑलरेडी अडल्ट है, तो वो स्मोक करे ड्रिंक करे, उनकी अपनी मर्जी है। कुछ आर्मीज तो इस पे भी ऑब्जेक्शन उठा रही थी कि जंगकुक को ये करना ही नहीं चाहिए, एज अ सिंगर उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। लेकिन चलो जंगकुक जो भी करे, बट कई सारे आर्मीज का ये कहना है कि उन्हें ऑन कैमरा ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं यूथ इससे एक बैड इन्फ्लुएंस लेता है। तो आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि जंगकुक को इस तरीके से ऑन कैमरा स्मोक करना चाहिए या नहीं? और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।